Hello students, today we will discuss the topic second harmonic generation. Okay, so non-linear optics में जो आपका second topic है that is second harmonic generation. So second harmonic generation यानी कि जो second order non-linear optical processes हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. Okay. सो उससे जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं SHG. तो SHG और फ्रिक्वेंसी डबलिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर ऑप्टिक्स. जो SHG है सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन, ये इसको हम फ्रिक्वेंसी डबलिंग भी कहते हैं एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर ऑप्टिक्स. ठीक है. सो इट कैन हैव अ रिलेटिवली हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी. हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी इसके पास हो सकती है. कन्वर्जन एफिशिएंसी का मतलब है दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक पावर जनरेटेड टू इंफ्रारेड और फंडामेंटल पावर इनपुट. ठीक है, ये रेशियो है सेकेंड हार्मोनिक पावर जनरेटेड जो सेकेंड हार्मोनिक पावर जो जनरेट हुई उसका इंफ्रारेड या फिर फंडामेंटल पावर इनपुट से जो रेशियो है उसको हम कहते हैं कन्वर्जन इफिशेंसी. तो यहाँ कन्वर्जन इफिशेंसी के हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं. सो इससे पहले हम थोड़ा सा पोलराइजेशन, जैसे कि हमने कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था इंट्रोडक्शन, पोलराइजेशन रिस्पॉन्स ऑफ मटीरियल्स टू लाइट. तो आपको पता है रिलेशनशिप जो होता है पोलराइजेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज़ पी इक्वल्स टू काई एप्सिलॉन नॉट ई. पी इक्वल्स टू काई एप्सिलॉन नॉट, ये पी एंड ई आर दी वेक्टर्स. ओके, एंड दिस काई इज़ द ससेप्टेबिलिटी एज यू ऑल नो. ओके, बट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है बढ़ा देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है जब एक कंपेरेबल अमाउंट में अगर बढ़ता है, सो तब क्या होता है नॉन लीनियर इंटरेक्शन बिगिन टू अकर विद इन द मटेरियल. तो नॉन लीनियर इंटरेक्शन जो है वो शुरू हो जाते हैं मटेरियल के अंदर, जो इंटरेक्शन होना जो है वो नॉन लीनियर वाले इंटरेक्शन जो होना है वो शुरू हो जाते हैं. ओके, सो तब ये इक्वेशन जो अकेले P इक्वल्स टू काई एप्सिलॉन नॉट ई, ये जो इक्वेशन है इट इज़ नॉट सफिशिएंट. ओके, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन होंगे नॉन लीनियर इंटरेक्शन इसकी वजह से कई इफेक्ट्स आएंगे. सो दिस इक्वेशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्व इफेक्ट्स. ओके, कई इफ़ेक्ट्स जो होंगे उनको ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते अकेले, तो उसके लिए हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पोलराइजेशन की. और वो जो इक्वेशन है सो इट इज़ अ जनरलाइज्ड इक्वेशन टू एक्सप्रेस द पोलराइजेशन एज अ पावर सीरीज इन द एज अ पावर सीरीज इन द फील्ड स्ट्रेंथ ई. ओके, तो ये फील्ड स्ट्रेंथ ई के रूप में एक पावर सीरीज है. ये जो अब पोलराइजेशन जो हमने लिखा ये एक ई के पावर सीरीज के रूप में एक इक्वेशन लिखी जाती है. ओके, सो एज यू नो दैट द पोलराइजेशन मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेसेस, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम द चार्जेस ऑसिलेटिंग विद इन द मीडियम एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंसिडेंट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड री रेडिएट. ओके, सो देयर बाय एडिंग टू दैट फील्ड. ओके, तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं फील्ड में. ओके, ओके, सो दीज काइज, ये जो काइज यानी कि काई वन, काई टू, काई थ्री, ये क्या है आपको पता ही है काई जो है ससेप्टेबिलिटी है. बट यहाँ पर जो इस इक्वेशन में अगर हम देखें यहाँ पर जो है काई वन, काई टू, काई थ्री एंड टू सो ऑन, हमें कई काई इसमें देखने को मिलते हैं. तो काई वन जो है वो है आपकी लीनियर ससेप्टेबिलिटी एंड काई टू एंड काई थ्री आर द सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल ससेप्टेबिलिटी. ओके,
काई वन जो है आपके पास लीनियर ससेप्टिबिलिटी है, एंड काई वन एंड काई टू एंड काई थ्री आर दी सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल ससेप्टिबिलिटी. ओके, सो दी पोलराइजेशन एज यू नो दैट इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दी नॉन लीनियर ऑप्टिक्स. एंड दिस इक्वेशन is a time dependent equation in which we have assumed that the response of the material is instantaneous to the variation of the applied field. So ye humne kisme assume kiya hai ki jo material ka response hai it is instantaneous to the applied field, yani ki jaise hum field apply kar rahe hain waise hame instantaneous jo hai ek response mil raha hai. theek hai, yani ki e ke sath jo hai variation hai p ka. एंड जो इस assumption को ट्रू होने के लिए जो मीडियम है दैट मस्ट हैव नो लॉस और डिस्पर्जन. मीडियम जो है वो लॉसी नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सिव नहीं होना चाहिए. ओके, तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो x टू e सॉरी काई टू e स्क्वायर एंड काई थ्री e क्यूब, दीज कैन बी डिफाइंड सेपरेटली. हम इनको सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं. हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि p2 टू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई टू e स्क्वायर एंड p3 थ्री इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई थ्री e क्यूब. ओके, सो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर हम इनको कहेंगे, इस पी टू एंड पी थ्री को हम कहेंगे ये वेक्टर्स हैं. ओके, दीज आल्सो आर दी वेक्टर्स. तो ये जो पी टू एंड पी थ्री हैं दीज आर दी सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशंस. सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशंस. ओके, नाउ दी सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेसेस जिसमें कि हम पढ़ते हैं सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन. तो सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन जो है दिस इज द सिंपलेस्ट सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस. ओके, तो ये सिंपलेस्ट सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस है एंड इट इज द सिंपलेस्ट सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस इज दैट ऑफ सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन. यानी कि सिंपलेस्ट जो सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस होगी उसको हम कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन. ठीक है, और इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस एन इंटेंस लेज़र बीम ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन इक्वल्स टू टू पाई न्यू वन. इसमें जो है एक ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की एक इंटेंस लेज़र बीम जो है वो पास की जाती है थ्रू अ क्रिस्टल. एक क्रिस्टल के थ्रू पास की जाती है जिसके की नॉन जीरो वैल्यू ऑफ काई टू. ठीक है, जिसके लिए कि काई टू की जो वैल्यू हो वो नॉन ज़ीरो हो. ठीक है, सो ऐसे क्रिस्टल से पास की जाती है एक लेज़र बीम जिसकी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो हो, लेज़र बीम की एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो टू पाई न्यू वन है, यानी कि ओमेगा वन दैट इज़ टू पाई न्यू वन हो, और उस मटीरियल से पास की जाती है जिस मटीरियल से या क्रिस्टल से, उस क्रिस्टल के जो है नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी काई टू की, यानी कि काई टू की कुछ ना कुछ वैल्यू है. ओके, और इस तरीके से पास की जाती है कि द बीम इमर्जिंग फ्रॉम द क्रिस्टल कंटेन्स द एंगुलर फ्रिक्वेंसीज ओमेगा वन ऑफ द इनपुट बीम एंड ऑल्सो ओमेगा टू इक्वल्स टू टू ओमेगा वन. तो इस तरीके से जो है पास की जाती है वो फ्रिक्वेंसी लेज़र बीम जो है इस तरीके से पास की जाती है क्रिस्टल से. ये क्रिस्टल है सपोज, ठीक है, ये क्रिस्टल है कि जो इमर्जिंग बीम होगी इस क्रिस्टल से जो बीम इमर्जिंग होगी वो उसके पास दो बीम होंगी. एक बीम की फ्रिक्वेंसी सपोज है ओमेगा वन. ठीक है, एक बीम की फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा वन है तो दूसरी जो बीम है उसकी फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा टू, और ओमेगा टू की वैल्यू कितनी है ओमेगा टू ओमेगा वन. ठीक है, समझ में आया. एक क्रिस्टल है
और इससे हम ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी की लेज़र बीम को पास करवा रहे हैं। तो इस तरीके से पास करवाएंगे कि जो इमर्जिंग बीम होगी उसके पास दो फ्रिक्वेंसी की बीम होगी, एक तो होगी ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी की और एक होगी ओमेगा टू। अब ये ओमेगा वन तो ठीक है, यही है, बट ये जो ओमेगा टू है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा टू की वैल्यू होगी टू ओमेगा वन, ठीक है, यानी कि ट्वाइस ऑफ दी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी। ओके, सो दिस कैन बी शोन टू अकर बाय कंसिडरिंग दी सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन टर्म। सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन टर्म दैट इज पी इक्वल्स टू, जो हमने लिखा था काई पी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई टू एंड ई टू, ओके ई टू, दिस सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन टर्म, ठीक है। सो वी विल एज्यूम एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे और जिसकी की फ्रिक्वेंसी ओमेगा है एंड इट इज़ इंसिडेंट अपॉन दी मटीरियल। तो वो जो है एक ओमेगा फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेटिंग ईएम फील्ड जो है वो मटीरियल पे इंसिडेंट होती है, तो उस फील्ड को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वो फील्ड की वैल्यू होगी ये ई इक्वल्स टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल स्टार, सॉरी ई नॉट स्टार, सॉरी ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी एंड ई नॉट स्टार प्लस में है यहाँ टू प्लस ई नॉट स्टार एक्सपोनेंशियल प्लस आई ओमेगा टी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ये इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये जो सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फर्स्ट टर्म, ओके। ये जैसे कि दिख ही रहा है ई जीरो कॉन्जुगेट, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एंड एक्सपोनेंशियल यहाँ पर देखो आई माइनस आई ओमेगा टी है तो यहाँ पर जाएगा प्लस आईटा ओमेगा टी, ओके। सो सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम दी इक्वेशन, वही जो सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन वाली इक्वेशन है वो कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन वाली इक्वेशन, अच्छा वो हमने लिखी नहीं है, बट सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन वाली इक्वेशन जो है वो ये है, लिखी हुई है, ओके। दिस पी टू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई टू ई स्क्वायर, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर, सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन वाली इक्वेशन है, ठीक है। सो इस इक्वेशन का यूज करके हम ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, जो अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन लिखा है ये, ठीक है। तो इस ई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेशन वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो पी टू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई टू ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट काई टू, अब ये जो ई स्क्वायर है ये कितना होगा? इस ई की जगह पे हमें क्या पुट करना है? यहाँ पे ई स्क्वायर है ना, तो इस ई की जगह पे हमें जो अभी इक्वेशन लिखी वही वाली एप्स ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ओमेगा टी प्लस ई नॉट कॉन्जुगेट एक्सपोनेंशियल प्लस आईटा ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो इसका हमें क्या चाहिए? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे हम, तो ए स्क्वायर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर आएगा, ओके। ई नॉट सॉरी ये ई नॉट नहीं है, ई नॉट इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, यस ई नॉट भी आना चाहिए यहाँ पे, ई नॉट ई नॉट ई नॉट, ठीक है। तो ये जो है इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा एक तो ई नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टू आईटा ओमेगा टी,
और यहाँ आएगा प्लस e नॉट कॉन्जुगेट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल प्लस 2iωt, ठीक है। और फिर आएगा प्लस दिस इंटू दिस, या फिर 2e0 कॉन्जुगेट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी इंटू प्लस आई टाई ओमेगा टी हो जाएगा जीरो। सो दिस विल बी 1 2e0 e0 star, ओके। सो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, ई नॉट और ई नॉट कॉन्जुगेट की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ई नॉट कॉन्जुगेट ई नॉट एंड ई नॉट कॉन्जुगेट की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों एक वेक्टर की तरह होंगे, ई नॉट स्टार और प्लस एक बार आएगा ई नॉट स्टार ई नॉट, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये दो टर्म आए, ई नॉट स्टार ई नॉट स्टार प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर दिस एंड ई नॉट स्क्वायर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया पी टू जो है आपके पास आ गया, वो आ गया पी टू जो है वो आपके पास ये आ गया है 2 एप्सिलॉन नॉट काई टू ई नॉट ई स्टार ई। अच्छा, अब ये देखेंगे हम कि यहाँ देखें इसको तो इन्होंने लिख दिया है टू इंटू ई स्टार ई है ई नॉट स्टार ई नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट काई टू। और यहाँ पर आ जाएगा, ये टू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ई नॉट स्क्वायर ये वाला एक्सपोनेंशियल माइनस 2iωt, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट काई टू इंटू ई नॉट स्टार का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे थोड़ा सा बहुत गलत छपा हुआ है, ई नॉट स्टार का स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल 2iωt, ठीक है। तो 2ω यहाँ कॉमन ले रखा है, ये दिखा रखा है, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको यहाँ पे देखना है कि इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में क्या आ रहा है 2ω, और यहाँ भी एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में आ रहा है 2ω, ओके। सो इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है आपका ये वाला, दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर, ओके, दिस फर्स्ट टर्म। एंड जो ये टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इट प्रोड्यूसेस नो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म है, दैट विल प्रोड्यूस नो ऑसिलेटिंग EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके। सो ये जो है फर्स्ट टर्म, दैट विल प्रोड्यूस नो ऑसिलेटिंग EM रेडिएशन, ठीक है, ओके। एंड इट इज अ डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड, डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्स रेफर्ड टू एज द ऑप्टिकल रेक्टिफिकेशन, ठीक। अच्छा, अब ये सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या है, दिस सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 2iωt भी है और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी क्या है एक्सपोनेंशियल 2iωt, यानी कि ये दोनों टर्म जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं, ओके। तो सेकेंड और थर्ड टर्म जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी देखा जा सकता है इसमें कि दीज सेकेंड एंड थर्ड टर्म कंटेन फ्रिक्वेंसीज, ये दोनों जो हैं फ्रिक्वेंसी कंटेन कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी है इनमें, इन टर्म्स में फ्रिक्वेंसी भी आ रही है, ठीक है। एंड जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो भी एग्जैक्टली क्या है, ट्वाइस है, जो फंडामेंटल वेव है, फंडामेंटल वेव की फ्रिक्वेंसी अगर ओमेगा है, हमने अभी ऊपर देखा था जिसके लिए हमने ई की इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है उसकी वैल्यू लिखी थी, तो हमने कहा था कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा होगी। तो हम ये भी देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड टर्म में
जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दैट इज ओमेगा, ये जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म है ये इनके पास भी वो फ्रिक्वेंसी है, बट वो फ्रिक्वेंसी क्या, उस फ्रिक्वेंसी का क्या है, डबल, ठीक है, ट्वाइस फ्रिक्वेंसी है उनके पास सेकेंड एंड थर्ड टर्म के पास, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं, दीज टर्म्स कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट आउटपुट फ्रॉम द मटेरियल एट एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ टू ओमेगा। तो ये जो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स सेकेंड और थर्ड टर्म जो है हमारे काम के हैं, एंड ये जो है एक सिग्निफिकेंट आउटपुट, मटेरियल से सिग्निफिकेंट आउटपुट दे सकते हैं एट एन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ टू ओमेगा फ्रिक्वेंसी पे एक सिग्निफिकेंट आउटपुट जो है मटेरियल से दे सकते हैं। ओके, सो सच आउटपुट इज रेफर्ड टू एज द सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन, सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन। कौन से आउटपुट, जिसमें कि हमें ऐसे आउटपुट जिसमें कि हमें फ्रिक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का ट्वाइस मिल रहा है, तो उसके लिए हम इसीलिए हम इनको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन, कि सेकेंड यानी कि ट्वाइस फ्रिक्वेंसी की जो है वो क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है, जनरेशन हो रही है, जनरेट हो रही है ट्वाइस फ्रिक्वेंसी, तो इसलिए हम सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन कह रहे हैं। ओके, सो अंडर सर्टेन कंडीशन इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट नियरली ऑल ऑफ द ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बीम टू द सेकेंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारी कंडीशंस में जो है ये जो है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को डबल कर देगी या सेकेंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी, ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, और कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनके अंडर में ही ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी को जो है ट्वाइस कर देती हैं या सेकेंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी को जनरेट करती हैं। ओके, सो ये आप जो है इस एनर्जी लेवल डायग्राम जो है इससे भी समझ सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन का। ओके, दिस सो दिस इज अ एनर्जी लेवल डायग्राम। सो इट शोज व्हाट इट व्हाट डज इट शो, इट शोज टू फोटॉन्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। देखो इसमें दो फोटॉन्स हैं जिनकी की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, ओमेगा है, ठीक है। ओके, एंड एनर्जी कितनी होगी, अगर हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओमेगा है तो इनकी एनर्जी जो है वो होगी एच क्रॉस ओमेगा, इसकी एनर्जी भी जो होगी वो होगी एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। और ये जो है कंबाइन होती हैं आपस में, ये दोनों जो हैं वो क्या हुई, कंबाइन हुई आपस में, एंड दीज आर प्रोड्यूसिंग एन एनर्जी ऑफ टू एच क्रॉस ओमेगा। देखो आप ये जो दोनों फ्रिक्वेंसी हैं ये एक टू ओमेगा फ्रिक्वेंसी की वेव को जनरेट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों एनर्जी यानी एच क्रॉस ओमेगा मिल करके हमें टू एच क्रॉस ओमेगा की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो एनर्जी लेवल्स एच क्रॉस ओमेगा एंड टू एच क्रॉस ओमेगा आर दिस, टू एच क्रॉस ओमेगा हमें पता है एच क्रॉस ओमेगा जो है वो ये वाला एनर्जी लेवल है, एच क्रॉस ओमेगा ये एनर्जी लेवल है, एंड टू एच क्रॉस ओमेगा जो है वो ये वाला एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये जो डैश डैश लाइन से शो करा हुआ है, यहाँ एच क्रॉस ओमेगा जो है इस डैश लाइन से शो करा हुआ है, और टू एच क्रॉस ओमेगा इस डैश लाइन से शो करा हुआ है, ठीक है। ओके, सो ये एक्चुअली जो ये लेवल्स हैं दैट आर नॉट दी लेवल्स, वर्चुअल लेवल्स कहते हैं हम इनको, ठीक है। दीज आर नोन एज दी वर्चुअल लेवल्स। सो टू फोटॉन्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर डिस्ट्रॉयड एंड वन फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी टू ओमेगा इज साइमल्टेनियसली क्रिएटेड। एक्चुअली हम इसको हम कह सकते हैं कि जो दो फ्रिक्वेंसी, दो फोटोन हैं जो कि जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ओमेगा और ओमेगा, ठीक है, दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा, वो जो है डिस्ट्रॉयड होते हैं, और एक फोटोन जिसकी फ्रिक्वेंसी टू ओमेगा है वो उसको क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इस फिगर में शो किया हुआ है।
सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन का जो है ये वो है फिगर। अच्छा अब इसमें जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे सम एंड डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेशन। सो हमने अभी देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोटॉन्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस अ सिंगल फोटोन ऑफ ट्वाइस दी फ्रीक्वेंसी। हमने देखा कि दो फोटॉन्स जो हैं जो कि सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी के हैं ओमेगा ओमेगा, और वो एक सिंगल फोटोन को जनरेट कर रहे हैं जिसकी कि फ्रीक्वेंसी क्या है ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ट्वाइस ओमेगा, ठीक है, उसको वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन नाउ जनरली जनरलाइज दिस प्रोसेस। अब हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं टू अलाउ फॉर द केस इन विच द टू फोटॉन्स हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, यानी कि ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। तो जैसे कि हमने कल भी इसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था ऐसा कि एक तो हमारे पास क्या है कि सेम फ्रिक्वेंसीज के हैं दो फोटॉन्स, और जो नया फोटोन होगा उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इसका सम हो सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं टू ओमेगा, ठीक है। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो फोटॉन्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, तो जो रिजल्टेंट जो फोटोन आएगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी वो हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है। सो वही है कि दो फोटोन हैं सेम फ्रिक्वेंसीज के, वो हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि टू फोटॉन्स जो हैं जिनकी की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है, सपोज़ एक की फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन है दूसरी की फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि हमने सेम फ्रिक्वेंसी के लिए ट्रीट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमने देखा था यहाँ पर उसके लिए हम क्या लिख रहे थे इक्वेशन ये दिस, ओके, ये जो इक्वेशन लिख रहे थे ये हमने अब ऐसे ही लिखना है किसके लिए, जब जो है दो फोटॉन्स हैं और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है, यानी कि ओमेगा वन एंड ओमेगा टू है, ठीक है। तो यही हमने पुट कर लेना है, एक में हम कर सकते हैं ई, यहाँ पर हम कर सकते हैं ई की जगह पे ई वन, फर्स्ट वाले जो फोटोन की है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम उसको ई वन से शो कर लेते हैं, और ओमेगा फ्रिक्वेंसी जो है हम ओमेगा वन से शो कर लेते हैं, ठीक है। तो ई वन और ई वन स्टार आ जाएगा इसमें, ठीक है, ई वन और ई वन स्टार, ओके। तो ये जो फर्स्ट टर्म आएगा वो इस यही आएगा, बट यहाँ पर ई नॉट की जगह पे क्या ई नॉट को किससे रिप्लेस कर लेते हैं हम ई वन से, ठीक है, और ई नॉट स्टार को जो है हम किससे रिप्लेस कर देंगे ई वन स्टार से, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा को किससे रिप्लेस करेंगे हम ओमेगा वन से, ओके, सो कर लेते हैं हम। तो हमने ये कर लिया और ये हमने देखा कि क्या आता है ई इक्वल्स टू ई वन एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ओमेगा वन टी प्लस ई वन स्टार एक्सपोनेंशियल आईटा ओमेगा वन टी, क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो इसका क्या है कंजुगेट है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे फोटोन के लिए हो जाएगा ई टू जिसकी की फ्रिक्वेंसी ओमेगा टू है, तो ई टू एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा ओमेगा टी प्लस ई टू स्टार एक्सपोनेंशियल आईटा ओमेगा टू टी। सो दिस इंक्लूड्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ बोथ ई वन एंड ई टू, एंड अगेन वी आर कंप्यूटिंग द सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेबिलिटी। फिर से हम इसको जो है इस सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर पोलराइजेबिलिटी को हम फिर से कंप्यूट करेंगे जैसे हमने आगे किया था। तो पिछले आप देखोगे जैसे हमने किया था जब हम ये मान रहे थे कि दोनों फोटॉन्स जो हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी के हैं, अब हम ये मान रहे हैं कि दो फोटॉन्स हैं बट अलग अलग फ्रिक्वेंसी के हैं, तो तब उसके लिए ई चेंज हो जाएगा। ई हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है ये, तो उसके लिए नॉन लीनियर पोलराइजेबिलिटी जो है वो क्या होगी, वो हम इस ई की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर लेंगे ई वन स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टू आईटा ओमेगा टी, ये फिर से ये टर्म आ जाएगा, ऐसे ही वही करना है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, बस ये आपको बताया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, एक ही टर्म आ रहा है, एक ही टर्म आ रहा है टू ओमेगा वाला टर्म, एक ही टर्म आ रहा है टू ओमेगा वाला, एक टू ओमेगा वाला ये टर्म आ रहा है, ये दो टर्म जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, ओके, ये टर्म आ रहे हैं, देखो इसमें दोनों फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन और ओमेगा टू, और ये टर्म आ रहा है इसमें भी दोनों फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। ऐसे ही ये वाली फ्रिक्वेंसी है इसमें आ रहे हैं दोनों टर्म बट डिफरेंस में आ रहे हैं ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ऐसे ही इस वाले टर्म में देखेंगे हम
कि ओमेगा वन और ओमेगा टू का डिफरेंस आ रहा है इस टर्म में, ठीक है। सो दीज इंक्लूड डीसी टर्म्स एंड सेकंड हार्मोनिक टर्म्स। सेकंड हार्मोनिक टर्म्स यानी कि टू ओमेगा वन और टू ओमेगा टू जिसमें आ रहे हैं, ठीक है। और टू न्यू टर्म्स जो हैं इसमें कौन कौन से हैं, ये हमने टू न्यू टर्म्स इनको बोल रहे हैं क्योंकि पिछले वाले रिलेशन में नहीं निकला था ये, जब हमने इसकी वैल्यू इवेल्यूएट की थी तो वहाँ पर नहीं था ये। तो अब यहाँ पर एक ये वाला टर्म भी आ रहा है, ये वाला टर्म भी, और ये टर्म भी आ रहे हैं, ठीक है। दो की बल्कि चार टर्म हो गए। सो न्यू टर्म इन्वॉल्विंग ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, हाँ ये अलग अलग टू न्यू टर्म्स इसके लिए है कि दो न्यू टर्म तो ये वाले हैं और दो न्यू टर्म ये वाले हैं, ठीक है। सो दी टर्म इन्वॉल्विंग ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, तो ये जो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म या ये वाला टर्म जो है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं। दिस जनरेट्स अ न्यू फ्रिक्वेंसी दैट इज सम ऑफ द टू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसीज, यानी कि ये टर्म हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसीज का क्या होगी, सम होगी, ठीक है। ओके और ऐसे ही ये वाले टर्म्स जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारी जो नई फ्रिक्वेंसी आएगी वो जो होगी वो क्या होगी, ओमेगा वन और ओमेगा टू यानी कि ओरिजिनल फ्रिक्वेंसीज का क्या होगी, डिफरेंस होगी, ठीक है। सो डिफरेंस फ्रिक्वेंसी जनरेशन एंड सम फ्रिक्वेंसी जनरेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो इसको हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया है ये फिगर है जो दिस फिगर। सो आप देख सकते हैं कि फोटोन ऑफ हाइयर फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन, ठीक है, फोटोन ऑफ हाइयर फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू। ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आप देख सकते हैं, नई फ्रिक्वेंसीज, नई फ्रिक्वेंसी कौन सी जनरेट हुई, ओमेगा थ्री दैट इज ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा थ्री जो जनरेट हुई दैट इज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। सो द प्रोसेसेस ऑफ सम एंड डिफरेंस फ्रिक्वेंसी जनरेशन कैन बी वेरी यूजफुल नॉट ओनली इन जनरेटिंग स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज एट न्यू वेवलेंथ बट ऑल्सो इन जनरेटिंग न्यू ट्यूनेबल फ्रिक्वेंसीज एट न्यू वेवलेंथ, ठीक है। जैसे कि एक इंटेंस सिंगल फ्रिक्वेंसी लेजर अगर हम लें जिसको कि जो कि ओमेगा वन फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, सो लोअर पावर ट्यूनेबल लेजर जो है, लोअर पावर ट्यूनेबल लेजर है जो कि दूसरा जो है वो ओमेगा टू फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू होना चाहिए या ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू होना चाहिए। ओके सो हम इन कंसिड्रेशन को मान करके हम ये सोच सकते हैं कि ऑल ऑफ द फ्रिक्वेंसीज टू ओमेगा वन, टू ओमेगा टू, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू एंड ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ये साइमल्टेनियसली क्या होंगी, होंगी जनरेट होंगी व्हेन टू इनपुट बीम्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी ऑप्टिकल मटीरियल, ठीक है। सो ये आपके पास जो है सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन हमने पढ़ा, और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल प्रोसेस, ठीक है। तो वो भी कुछ इस तरीके का ही है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फेज मैचिंग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो भी आप इसको सर्च कीजिए। ओके थैंक यू।